कसारी मसारी में 297 बटा 205 में एक मकान लिया था, जो इसके अपने बैनोई खान सौलत हनीफ एडवोकेट के माध्यम से वो मकान मुझको बैनामा कराया गया था। इसके बाद कुछ समय के बाद खान सौलत हनीफ ने मेरा ही मकान शाइस्ता परवीन को किराए पे देने के लिए मुझसे कहा, तो जिसके कारण मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर तुमको भी किराया मिलता रहेगा 20,000 रुपये, और वो थोड़ा बहुत मेंटेन करा लेंगे, जो किराए में अपना वो बराबर कर लेंगे। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं, ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर ज़रूर गए थे, उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आए थे। उसके बाद से आज तक वो मकान हम ना गए हैं ना देखा है। अगर मेरी छवि के बारे में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, एक बार बांदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं अपील करता हूँ, मेरा एलआईयू जांच करा ले। और जिस साल से पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, आज तक अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हो तो उसे कहा जाए। इन लोगों से दूर दूर तक मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई मतलब है, और ना ही मैं इलाहाबाद जाता जाता हूँ। हालांकि सस्ता मकान था, और हमारे सब ज़्यादातर परिवार का भी वहाँ मकान है। उन्होंने कहा कि तुम भी ले आके ले लो, तो किसी तरह हम लोगों ने पैसा जुगा करके दिया, वो भी आधा पैसा अपने बहनोई के कर्जदार भी हूँ, नहीं दे सका। लेकिन उसके बाद भी बिना कोई नोटिस दिए और उनके साथ हमारा नाम जोड़ करके मेरे मकान को ढा दिया गया।